नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस न्यूज में। चले बढ़ते हैं आज के ताजा खबरों की ओर। पुरवार पोरवाल समूह औरैया द्वारा अखिल भारतीय पुरवार पोरवाल महासभा के राष्ट्रीय मंत्री विनय पुरवार व प्रांतीय उपाध्यक्ष आनंद गुप्ता के नेतृत्व में दिनांक 3 मार्च 2024 दिन रविवार को शाम 5 बजे इटावा रोड स्थित कार्यालय में पुरवार पोरवाल राष्ट्रीय महासभा की नवगठित जनपद औरैया की जिला कमेटी का अभिनंदन समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत जिला कमेटी के अध्यक्ष शिव कुमार पोरवाल, महामंत्री कपिल गुप्ता, कोषाध्यक्ष आदित्य पोरवाल को मस्तक पर पगड़ी व माल्यार्पण कर जोरदार अभिनंदन किया गया। समारोह में राष्ट्रीय महासभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष आनंद गुप्ता ने बताया कि अखिल भारतीय पुरवार पोरवाल महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के शीर्ष पदाधिकारी द्वारा विगत दिनांक 22 फरवरी 2024 को औरैया जनपद की जिला इकाई का गठन किया गया था। नए पदाधिकारियों का अभिनंदन कर आज उनको जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत अखिल भारतीय पुरवार पोरवाल राष्ट्रीय महासभा जनपद औरैया के जिला अध्यक्ष शिव कुमार पुरवार ने बताया कि समाज के जरूरतमंद लोगों का यथासंभव सहयोग, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों का विवाह में मदद, सामाजिक गतिविधियों के प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्रीय नेतृत्व में मुझे जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं मैं पूरी लगन निष्ठा से व जिम्मेदारी के साथ पूरा करूंगा। औरैया जनपद के कस्बा बाबरपुर, अजीतमल, मुरादागंज, अछलदा, बिधुना, फफूंद, दिबियापुर आदि क्षेत्रों का भ्रमण कर समाज के लोगों की सहमति के उपरांत जिला कमेटी का शीघ्र ही विस्तार किया जाएगा। अभिनंदन समारोह में प्रमुख रूप से समाज सेवी रानू पोरवाल, अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के जिला अध्यक्ष विपिन पोरवाल, सामाजिक कार्यकर्ता आनंद नाथ गुप्ता एडवोकेट, राष्ट्रीय मंत्री विनय पोरवाल, अनिल कुमार पोरवाल, समीर पोरवाल, विजयकांत पोरवाल, जितेंद्र पोरवाल, नितिन पोरवाल, कुलदीप पोरवाल, नीरज पोरवाल, अखिलेश पोरवाल, संजय पोरवाल, उमेश बिश्नोई, दिनेश पोरवाल आदि समाज के लोग मौजूद रहे। हमारे बीच में है औरैया नगर के प्रमुख व्यवसायी एवं समाज सेवी वरिष्ठ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।